दौलिया से गैर कानूनी तामीरात का होगा खात्मा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर का भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। एमडी और फाटा को फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी। बायलॉज की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निमड़ने की हिदायत। शहर के रोड से कमर्शियल कन्वर्शन बारे कमेटी तश्कील दे। नवाबों के शहर में ट्रैफिक के संगीन मसाइल का होगा खात्मा। शहर में ट्रैफिक निजाम की बहाली के लिए रिंग रोड की तामीर तेजी से जारी। 4.5 करोड़ लागत से 2.76 किलोमीटर रोड की तकमील। डेवलपमेंट कमेटी इजलास में डिप्टी कमिश्नर को मुतलका अफसरान की ब्रीफिंग। सरगोधा की नहरों और सीम नाले सालहा साल से सफाई के मंतजर। महकमा ड्रेंज कमिश्नर सरगोधा के अहकाम को भी खातिर में न लाया। नहरों और सेम नालों के बंद टूटने से सड़कों का नुकसान पहुंचने लगा। भल सफाई हो सकी ना ही बंद का मुरम्मती काम मुकम्मल हो सका। शहरी इंतजामिया के मुजरिमाना गफलत पर फट पड़े। कमिश्नर सरगोधा से मुरम्मती काम और भल सफाई करवाने के लिए मुतालबा कर दिया। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब थमे, कई रोज गुजर गए। लैया के मुतासरा इलाकों में इंतजामिया मुतासरीन की इमदाद को ताहाल न पहुंच सकी। सैलाब से करोड़ों रुपए की फसलें तबाह। मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाकों के मकीन सब गिनवाने के बाद इमदाद के मुंतजिर। मुल्तान इंसारी चौक पर 2 क्राउन फेलियर्स पड़े, 20 रोज गुजर गए। मुल्तान में बादशाह 20 रोज बाद भी सड़क को बहाल करने में नाकाम। 12 दरखास्त देने पर भी इंतजामिया की हट धर्मी। ग्राउंड फेलियर्स की मरम्मत ना की जा सकी। शहरी इंतजामिया के खिलाफ परेशान। वज़ीर-ए-आज़म के हवाई इलाके मियांवाली में सीवेज का खस्ता हाल निजाम। मेन बाजार अलोवाली जोहड़ में तब्दील। जा बजा गंदगी के ढेर। तापुन ने शहरों की जिंदगी अचीरन कर दी। सीवेज ज्यादा पानी पर मक्खियों और मच्छरों की बहुतात। मुतादी बीमारियां फैलने का खतरा। शहरी इंतजामिया के मुजरिमाना खामोशी पर फट पड़े। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार के शहर का बुरा हाल। डीजी खान का अहम मानका किनार लोड टूट फूट का शिकार। खस्ता हाल सिखानी प्वाइंट भी 3 माह से मुरम्मत का मुंतजिर। शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहरी अवलिया को साफ सुथरा बनाने का मिशन। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर ने मुजफ्फराबाद रोड पर गंदगी का नोटिस ले लिया। भरपूर सफाई मुहिम बारे लाही अमल मुरतब करने का हुक्म। एमडब्ल्यूएमसी को ग्रैंड क्लीनअप ऑपरेशन करने की हिदायत। नॉर्दर्न बाईपास पर 900 फलकन रख लगाने का मिशन मुकम्मल। कमिश्नर मुल्तान ने आखिरी रख लगाकर मुल्क की सलामती के लिए दुआ। खस्ता हाल सड़कें नाके से बिरसा में दीगर मसाइल का होगा अजाला। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शराब तरीन ने 3 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। बस्ती खड़ी से दोस्तवाला तक पक्की सड़क 50 लाख रुपए की लागत से बनेगी। लुंडी पतापी में सीवेज सिस्टम। अलीपुर और जतोई के दही इलाकों में टफ टाइल की भी मंजूरी दे दी। मिंचनाबाद के मकीनों के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा तोहफा। शहरियों को इलाज मुआवजे की मिलेंगी बेहतर सहूलियात। टीएच के अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए 17 करोड़ से ज्यादा जारी। एमएनए मियां अब्दुल गफार बट्टू और एमपीए मियां फिदा हुसैन बट्टू ने वज़ीर-ए-आला से मुलाकात में अपग्रेडेशन की दरखास्त की। मियांवाली ईसा खेल में तरक्याती काम जारी। एमपी अब्दुल रहमान बबली ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 ईसा खेल का संग बुनियाद रख दिया। ईसा खेल को मॉडल सिटी बनाने का आज़्म। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर। जनूबी पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन बनेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने उसूली मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिल दवा केसेज से जल्द निपटाने की हिदायत। तमाम खिदमत मराकज में ओपीसी डेस्क खोलने का फैसला। ओपीसी एक्ट 2014 में तरामीम की भी मंजूरी। हतमी ऐलान पंजाब काबीना करेगी। एडवाइजरी काउंसिल्स को कवायद और जवाबत के तहत जल्द तश्कील देने की हिदायत। पहली मरतबा बिजली की तकसीमकार कंपनियों और सार्फीन के मबैन तनाजात हल होंगे। विफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फीन के लिए बड़ा रिलीफ। काबीना का 2 साल बाद नैप्रा एपलेट ट्राइब्यूनल कानून फाल करने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रहमान लोधी 4 साल के लिए चेयरमैन नैप्रा एपलेट ट्राइब्यूनल तैनात। नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होगा। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के बलोच तलबा की फीसों की अदम अदायगी का मामला। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल का तलबा के एहतजाज पर नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान हुकूमत से फीस के मद में 40 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा के लिए तलबा से खुद अपनी फीसें अदा करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म एहसास स्कॉलर प्रोग्राम के तहत इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम। 4,140 तलबा और तालिबात को 19 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दिए गए। बासल अफराद के ट्यूबवेल पर छापा, तारें और ट्रांसफार्मर उतारने पर बासल अफराद ने मैपको एहलकारों को यरगमाल बना लिया। मैपको इंतजामिया और पुलिस की मुदाखलत पर घंटों बाद यरगमाल एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। बासल अफराद के खिलाफ बिजली चोरी और सरकारी एहलकारों को यरगमाल बनाने पर मुकदमा दर्ज। मैपको एहलकारों ने मुनासिब कार्रवाइयां न करने पर एहतजाज किया। कब्जा माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कहरोड़ पक्का में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों मालियत की 310 केनाल से ज्यादा राशि नागुजार। उधर सफी सर्वर में जिला इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, चोटी जेरी बालाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में तजावजात का खात्मा कर दिया गया। दादरा क्रैक को बंद करने साबिक MNA आशिक गोपांग जामपुर पहुंच गए। खुद ट्रैक्टर चलाकर कादरा क्रैक बंद करना शुरू कर दिया। कहा कि तौंसा ब्रिज से निकलने वाला पानी सिंध और बलोचिस्तान की मिल्कियत है, तौंसा ब्रिज से आगे नहर निकालने का किसी सूबे को हक हासिल है। सरगोधा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 30,000 से ज्यादा पानी के गैर कानूनी कनेक्शन, कार्रवाई के बजाय इंतजामिया ने बिल देने वाले सार्फीन के बिल 100% बढ़ा दिए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के गैर कानूनी कनेक्शन को रेगुलराइज कराने के लिए थर्ड पार्टी सर्वे की हिदायत। कहा बिल कंप्यूटर की गलती से आए, लाहौर से दुरुस्त होंगे। सार्फीन बिल दुरुस्त कराने के लिए दरबदर भटकने लगे। जनूबी पंजाब में आटा बहरान ने फिर सर उठा लिया। मुल्तान और सरगोधा में आटा नयाब, आटे की कीमत में 25 रुपए फी किलो का इजाफा। 20 किलो का थैला 1200 रुपए से जायद में बिकने लगा। सरगोधा में गट्टू की 1030 रुपए में फरोख जारी। पिपला के यूटिलिटी स्टोर से आटा चीनी समेत मुतादिल अशिया गायब हो गईं। अहमदपुर शर्किया में शहरी महंगाई से बिलबिला उठे, हुकूमत से कीमतों में कमी लाने का मुतालिबा। सरगोधा में इंतजामिया के नहली DHQ टीचिंग अस्पताल के लिफ्ट खराब, मरीज रुल गए, लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात, इंतजामिया से लिफ्ट चालू करने का मुतालिबा कर दिया। बहावलपुर में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का शदीद हमला जारी, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे भी बेकार निकले। डेप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग नजमुल हसन मलिक का कहना है डिपार्टमेंट काश्तकारों की रहनुमाई के लिए काम कर रहा है, काश्तकार सफेद मक्खी के खिलाफ जहर में गुलाबी सुंडी का जहर मिलाकर स्प्रे करें। जायदाद की हवस ने औलाद का खून सफेद कर दिया, कोटद्दू बस्ती नकद आबाद में नाफरमान औलाद के अपने वालिदैन पर तशद्दुद, बदबख्त बेटे ने मां के दांत तोड़ दिए। वालिद इकराम का पुलिस से कार्रवाई का मुतालिबा, पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी। पीर कॉलोनी से तशद्दुद ज्यादा लाश बरामद, मकतूल आसिफ के भाई और बच्चों का मकतूल की बीवी पर कत्ल का इल्जाम। वरसा का कचहरी चौक पर एहतजाज, आला हुकाम से हसूल इंसाफ की अपील कर दी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में कत्ल जाहिर नहीं हुआ, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। पंजाब स्मोकिंग एक्ट पर पकड़े गए अपराध के केस की समाप्त, सब इंस्पेक्टर को अदालत में पेश न होना महंगा पड़ गया। अदालत का SHO सिविल लाइन मुस्लिम जिया और ASI मोहम्मद सलीम पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DPO बहावलपुर सोहेब अशरफ के डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर काशिफ मोहम्मद अली से मुलाकात, दोनों अफसरान का मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल, हुकूमती पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए पुलिस से तआवुन की यकीन दहानी करवाई। मीरी खान में स्मार्ट कार्ड के मुंतजिर शहरियों के लिए अच्छी खबर, एक्साइज टेक्नीशियन दफ्तर में कई माह से पेंडिंग स्मार्ट कार्ड की सर्विस जारी, अफसरान की बाकी मानदा कार्ड की जल्द तरसील की यकीन दहानी। सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर मेयर मुल्तान के उम्मीदवार, सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर शाह भी मैदान में आ गए। सैयद बाबर शाह की जानब से मेयर मुल्तान बनने की ख्वाहिश का इजहार, बोले PTI ही बल्दियात में कामयाब होगी, पार्टी फैसला जो करेगी कबूल करूंगा। और उसाजा की कारकर्दगी जांचने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करना होगी, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर के पब्लिक बोर्ड ऑफ गवर्नर इजलास में अहकाम। उसाजा की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर मामलों पर बजट कमेटी के रिमार्क्स भी तलब, मुल्तान पब्लिक स्कूल गर्ल्स ब्रांच में कैफेटेरिया बनाने और राइडर्स क्लब के तजीनों राश की मंजूरी दे दी।